गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्लास 3, आई एम योर असिस्टेंट टीचर अरुष यूनुस। आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग एट होम्स। एज यू रिमेंबर इन प्रीवियस लेक्चर्स वी स्टडीड अबाउट यूनिट 3 लेसन लिविंग हैप्पीली टुगेदर and done its short questions. Today we are going to do its long question number 1. Take out your SST copies, draw margin line, mention unit 3 lesson living happily together and long question. Then question number 1, sabse pehle aap log apni सोशल स्टडीज़ की कॉपीज़ निकालें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और इसके अलावा आपने मेंशन करना है यूनिट 3 लेसन नेम लिविंग हैप्पीली टुगेदर और फिर लिखना है लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर उसके नीचे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डू द चिल्ड्रन चूज पार्टनर्स इन क्लास। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने लेसन लिविंग हैप्पीली टुगेदर में ये पढ़ा था कि मिसेस इकबाल ने सब क्लास के बच्चों को बिठाकर ये समझाया था कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन स्कूल। वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर। व्हेन वी नीड टू वर्क इन पेयर्स वी राइट आवर नेम्स ऑन स्लिप्स, फोल्ड देम एंड पुट देम इन अ बाउल। ईच वन ऑफ अस पिक्स अ नेम टू सेलेक्ट आवर पार्टनर। इन दिस वे वी आर ऑल ट्रीटेड इक्वली। तो मिसेस इकबाल ने उनको ये तरीका बताया कि जब भी उन्होंने कोई काम करना हो तो वो अपने नाम किसी भी पेपर पर लिख कर उसको फोल्ड कर दें और उसको एक पाउल में डाल दें और वन बाय वन उस पेपर को पिक करें। इस तरह से हर काम जो है वो ईजीली हो जाएगा और इनका आपस में कोई झगड़ा भी नहीं होगा और सबको equally treat kiya jayega. So you have to write the answer. Answer is they write their names on slips. Wo apna naam likhte the paper pe, fold them and put them in a bowl. Phir wo usko fold karke bowl mein dal dete the. Each of them picks a name to select the partner. फिर सब बारी बारी आकर एक पेपर उठाते थे और उस पर जो भी नाम लिखा होता था तो इस तरह से वो अपना पार्टनर सेलेक्ट कर लेते थे। स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड पिकिंग देयर नेम्स। दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, हाउ डू द चिल्ड्रन choose partner in class. Answer, they write their names on slips, fold them and put them in a bowl. Each of them picks a name to select the partner. I hope this is clear to you. Now my dear students, you have to write it neat and clean on your copies, and your home task is to learn this question as well. After that, in next video lectures, we will do its question number 2. Till then, take care, Allah Hafiz, and learn it.